हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान किस किस जिलों से सीमा बनाता है, किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, कितने जिलों के साथ सबसे ज्यादा, कितनों के साथ सबसे कम, कौन से ऐसे जिले हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं या फिर कोई कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। तो ये था राजस्थान का परिचय। आज हम बात करेंगे कि आज के वर्तमान समय में जो राजस्थान है उसका निर्माण कितने चरणों में हुआ, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार आज वाला वर्तमान राजस्थान अपने रूप में आया। तो बात करते हैं राजस्थान का गठन। राजस्थान का गठन 7 चरणों में पूरा हुआ था। कुल 7 चरण थे जिससे मिलकर आज का वर्तमान राजस्थान बना। सबसे पहला चरण था जो बना, प्रथम चरण, जिसको नाम दिया मत्स्य संघ। प्रथम राजस्थान का चरण मत्स्य संघ जो बना 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ, जिसमें 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 जिलों से मिलकर बना मत्स्य संघ। इसकी राजधानी थी अलवर। तो प्रथम चरण में मत्स्य संघ, उनकी राजधानी क्या थी? अलवर। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मत्स्य संघ के राज प्रमुख का नाम था धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह, और जो प्रधानमंत्री थे वो शोभा राम कुमावत। तो बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के प्रथम चरण जो मत्स्य संघ थे उनके प्रधानमंत्री का नाम, तो वो थे शोभा राम कुमावत। मत्स्य संघ कब मिल बना? 18 मार्च 1948 को। इसी प्रकार द्वितीय चरण, जिसका नाम रखा गया राजस्थान संघ। ध्यान रखना है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया सर्वप्रथम गठन में। तो द्वितीय चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को, जिसका नाम रखा गया राजस्थान संघ, और इसमें कुल थे 10 जिलों को मिलाया गया। वो कौन कौन से जिले थे? वो थे टोंक, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और झालावाड़। ध्यान से याद रखना है, टोंक, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, 10 जिले। यहां थी राजधानी, इस चरण में राजधानी थी, राजस्थान संघ की राजधानी थी कोटा, और यहाँ के राज प्रमुख थे महाराजा भीम सिंह। प्रधानमंत्री थे राजस्थान संघ के गोकुल लाल असावा। तो इस प्रकार से 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण। इसके बाद तृतीय चरण की शुरुआत हुई 18 अप्रैल 1948 को, और तृतीय चरण में नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान इनसे मिलकर बना। संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ पूरा, जो द्वितीय चरण था वो पूरा, और प्लस मिलाया गया उदयपुर को, और उससे मिलकर नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण, जिसके राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। यहां प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा, और उपराज प्रमुख थे महाराजा भीम सिंह। इसके बाद चतुर्थ चरण की शुरुआत हुई, जो माना जाता है चतुर्थ चरण, जिसे नाम दिया गया वृहद राजस्थान। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को। इसमें किसे मिलाया गया? इसमें पूरा तृतीय चरण का संयुक्त राजस्थान, उसके साथ साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को मिलाया गया। इन चारों से मिलकर और संयुक्त राजस्थान से मिलकर बना वृहद राजस्थान। चतुर्थ चरण में ही वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को। यहां से क्वेश्चन उठता है, जयपुर राजधानी कब बनाया गया? चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान की। यहां महाराज प्रमुख बने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। यहां राज प्रमुख थे जयपुर के महाराजा मान सिंह। उपराज प्रमुख थे महाराजा कोटा भीम सिंह, और प्रधानमंत्री थे यहाँ पे हीरा लाल शास्त्री। ध्यान रखना है। इसके बाद पांचवा चरण, जिसे नाम दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। इनमें किसे मिलाया गया?
इनमें वृहद राजस्थान पूरा जो चतुर चरण में थे, संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, और इसके साथ में पांचवें चरण में मिलाया गया मत्स्य संघ को, जो पहला वाला था मत्स्य संघ अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, और इनसे मिलकर 15 मई 1949 को बना संयुक्त वृहद राजस्थान। इसके बाद छठा चरण राजस्थान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बना 26 जनवरी 1950 को, राजस्थान 26 जनवरी 1950 को, और जो लागू हुआ वो हुआ 7 फरवरी 1950 को। यहाँ पे राज प्रमुख का पद निभाया महाराजा मानसिंह ने, और इसमें छठे चरण में किसे मिलाया गया, एक तो किसे, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ प्लस सिरोही, सिरोही मिलाया गया लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को इसमें शामिल नहीं किया गया। छठे चरण में राजधानी थी जयपुर और मुख्यमंत्री यहीं पे, क्योंकि पहला ही बार ये पद लागू हुआ था, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जो बनाया गया हीरा लाल शास्त्री को। तो ऐसे भी ध्यान पूछा जाता है कि किस चरण में मुख्यमंत्री का पद हीरा लाल शास्त्री जी ने निभाया, तो वो था छठा चरण। राजस्थान का सातवां चरण जो कि वर्तमान भी है, जो आज का वर्तमान रूप है, वो कब लागू हुआ, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान रूप बना, लेकिन ये याद रखना है राजस्थान संघ में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था द्वितीय, परंतु 7 फरवरी 1950 को, कब 7 फरवरी 1950 को वैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ये एग्जाम में आता है वैधानिक रूप से कब राजस्थान शब्द प्रयोग किया गया, 7 फरवरी 1950 को। तो हम बात कर रहे थे सातवें चरण, सातवें चरण में अजमेर और मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, एक तो अजमेर और मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था, जो छठे चरण में नहीं मिलाया गया था, तो आबू और देलवाड़ा को भी सिरोही में मिलाया गया था। इसी के साथ साथ जो राजस्थान का सिरोस था उसको भी मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, और मध्य प्रदेश का सुमेल टप्पा भी राजस्थान में मिलाया गया था। तो इम्पोर्टेंट चार ध्यान रखने हैं, राजस्थान का सिरोज मध्य प्रदेश में मिलाया गया, मध्य प्रदेश का सुमेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया, आबू देलवाड़ा को सिरोही में मिलाया गया, और अजमेर और मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाया गया था। यहाँ राजधानी थी जयपुर, और सातवें चरण में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वप्रथम इसी चरण में, सातवें चरण में एग्जाम में पूछा जाता है राज्यपाल के पद को, तो 1 नवंबर 1956 को सर्वप्रथम राज्यपाल पद, और प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। जब राजस्थान का सातवां चरण बना उसके बाद में राजस्थान में कुल 5 संभाग और 26 जिले थे। उस टाइम कितने थे, 5 संभाग और 26 जिले थे। अभी आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान के समय कितने जिले थे और आज वर्तमान में कितने जिले हैं, तो राजस्थान जब वर्तमान रूप बना था सातवें चरण में तब 26 जिले थे, और वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले। तो राजस्थान बनने के बाद में कितने जिले बन गए, कितने जिले बन गए, 7 जिले। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 26वां जिला जो बना था वो था अजमेर, राजस्थान का 26वां जिला बना था वो था अजमेर। ये राजस्थान का गठन हुआ 7 चरणों में, तो राजस्थान के गठन के बाद में कौन कौन से नए जिले बने और संभाग कैसे बने, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के गठन के बाद कौन कौन से नए जिले बने थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। थैंक यू सो मच।